और धम्म को बार बार श्रवण करना, जानना, उसे समझना एक आनंददायक बात होती है। तो बार बार कालेन धम्म साक्षा, बार बार धम्म की चर्चा करना, धम्म को कालेन धम्म श्रवणम्, बार बार धम्म सुनते रहे तो हमारी जो श्रवण इंद्रिय जो है स्मृतमय प्रज्ञा जो है विकसित होती रहती है। तो सुनने में ढालना, उसके लिए जो भी प्रैक्टिस है, जो भी साधनाए पद्धति है उसका इस्तेमाल करना। तो हम साधना क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करते हैं, हमारा तो इसके प्रति बार बार हमें जागरूक होना, आदर्श के प्रति जागरूक होना। ये तो मार्ग है, जिन मार्ग से हम चलते हैं, जिन मार्ग पे चलने के लिए साधना का साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मार्ग तो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि मग्गान अठांडिको सेठो सच्चाणम चतुरम पदम, सर्वश्रेष्ठ ऐसा अठांगिक मार्ग जो जाता है तो उसे जानना। तो यह मार्ग को जानते जानते ही हम हमारे आदर्श को, ध्येय को, उद्देश्य को, इसके प्रति बार बार हमारी जागृति को बढ़ाना होता है, जिसे स्मृति सांप्रजन्य कहते हैं। तो उद्देश्यों की स्मृति, हमारे ध्येय की स्मृति, आदर्श की स्मृति, केवल आदर्श की स्मृति रखना, उनके प्रति जागरूक रहना, जिसे हम बुद्धानुस्मृति के द्वारा हो या धम्म प्रैक्टिस साधना के द्वारा हो, तो हम स्मृतियां विकसित करते हैं। साथ साथ हम उसे हमारे भीतर उतारने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य को समझना तभी पूर्ण संभव है जब तक हम हमारे आदर्श के जैसे बनने के लिए प्रयास नहीं करते। वह मार्गदाता है लेकिन मोक्षदाता नहीं है, यह भी हमें समझना है। और बुद्ध बार बार कहते हैं कि तुम्हें ही किचंग आतप अख तारो तथागतो पट्टिपन्ना पमो कंती झाइनो, मार बंधनो, मैं तो केवल मार्ग दिखाने वाला, राह दिखाने वाला हूँ, चलना तो तुम्हें ही है। और इस मार्ग पे चलते चलते जो भी बाधाएं आती है, तो जब तक इसे साफ नहीं करते हम आगे का स्पष्टता से नहीं देख पाते। जो धुंधलापन है, जो अलग अलग हमारी दृष्टिकोण है, जब तक वह नहीं निकलते, हम स्पष्टता से, हमारे धुंधली आंखों से, अपूर्ण दृष्टि से, विकृत दृष्टि से, हम स्पष्टता से ध्येय को भी नहीं देख पाते, न समझ पाते, क्योंकि हम फंसे रहते हैं दृष्टिकोण में अलग अलग। और हम अगर शुरुआत करते हैं बुद्ध धम्म की ओर आगे जाने की, जैसे शरण गमन के द्वारा हम ऊर्ध्वगामी प्रयास करते हैं, तो यह जो सांस्कृतिकता है, यह जो सांस्कृतिक शरण गमन है, उसे जब तक हम परिणाम कारक शरण गमन की ओर नहीं बढ़ाते, तो यह जो प्रयास है वह कुछ मर्यादित होगा। तो हमें उसे आगे बढ़ाना है। जैसे हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं है, जैसे कि आज उस सभी और खासतौर पे महाराष्ट्र में उत्सव आया जा रहा है, या जिसे कहते हैं कि गणेश चतुर्थी, उसका उत्सव। कई सारे हमारे बांधव उसमें फंसे हैं, और जिनको अधूरा बुद्ध धम्म समझा है, वो भी उनमें से जो
उत्सव की बात है, उथलापन है, आनंद महोत्सव है, उसमें ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं, आज जो हमारी ऊपरी दिखने वाली हंसी है वह फसवी है। कोनू हासो किमानंदो नीचंग पज्जली तो सती। यह जो ऊपरी हमारा दिखने वाला हंसी है, आनंद है, जिसे हम प्रमोदता में बहते हैं, इंद्रिय सुख में भौतिकता में सभी आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यह जो है हम हमारे ध्येय को ना देख पाते हैं, हमारे दृष्टि गलत दृष्टि से स्पष्टता से उद्देश्य को नहीं देख पाते हैं, और इसी कारण जिसे प्रज्ञा कहते हैं, तो प्रज्ञा की जो कमी है, अपरिपूर्णता है, इसी कारण हमारे नीचे जो प्रज्ञा का दीप जलना चाहिए वह नहीं जल पाता, क्योंकि हम अंधकारेन ओ नब्दा पदी पम न गवे सती। हमारे भीतर अंदर के अंधकार के कारण हम हमारे स्वयं के दीपक को नहीं जला पाते। हमारे भीतरी दीपक को प्रकाशित करना है, प्रज्वलित करना है, उसे अत्यधीप भव में रूपांतरित करना है, तो स्वयं ही प्रयास करना होता है, हमारे बाधाओं को दूर करना होता है, जो हमें बार बार जो आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसी कारण यह जो पट्टीपन्ना पमोक्खन्ति मारधेयोपहातयो, इस मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो जो मार है, जो रुकावटे है, ध्यान में बाधाएं करते हैं, उसे पहचानना होता है, उसे देखकर समझकर रोकना होता है, कार्य करना होता है, ऐसा कहे कि उसे काटना होता है। जब तक हम उसे काटते नहीं, बुद्ध क्या कहते हैं कि वनन छिंदथम, वन छिंदथम मा रूखम, वन तो जायति भयं। ये जो वन है, जंगल है, झाड़ी है, उसे काटो, क्योंकि उसके उसके मस्ती में ना अटको। क्या झाड़ी है, क्या डोंगर है, क्या दरिया है, क्या इधर उधर की सुंदरता है। सुंदरता तो है, लेकिन सुंदरता देखने के लिए हमारी जो आंखें है वह हमारे प्रदीप से जलने से, प्रज्ञा से होनी चाहिए, परिपूर्ण दृष्टि से होनी चाहिए, और तभी हम इस सुंदरता को समझ पाएंगे। तो वन को काटो। वन क्या है? हमारा मार है, हमारा अज्ञान है, हमारे भीतरी अंधकार है। तो क्या करो? वन छिंदंत मारुखम, वृक्ष को मत काटो। ये जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे, जिस ये जो जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, जिन वृक्ष के नीचे बैठ के, इनके छाव में, छत्रताया में, छाया में बैठ के सिद्धार्थ ने संबोधि की प्राप्ति की, ऐसे वृक्ष को बढ़ाइए, उसको मत काटिए। तो इसका मतलब मार रूखम, क्योंकि वन तो जायति भयं, ये जो जंगल है, झाड़िया है, वन है, इसकी जो गहराई है, यह जो गहराई है वह भय निर्माण करती है। वन तो जायते भयं, अगर भीतर अज्ञानता के साथ साथ द्वेष भी है, तृष्णा भी है, मूल क्लेश के साथ साथ उपक्लेश भी है, तो डर है, भय है, भय है तो चिंताएं है, दुख है, परेशानियां है,
अगर हम सदाचरण में जीवन नहीं जीते तो हमारे भीतर छुपा हुआ डर है। तो इसको क्या करो, चेत्वा वनंच वनथंच निब्बना होत भिक्खवे। अगर निब्बान प्राप्त करना है, निर्वाण को हमारे भीतर उतारना है, तो इस वन को काटो, झाड़ी को काटो, जो काटेरी झाड़ी झुरूप जो हमारे जिंदगी में हमारे ध्यान के बीच रोड़ा बन के बार बार आते हैं, जिसे पांच न्यूरन हम कहते हैं, तो काम छंद जो है यह हमें फंसाता है। कहाँ फंसाता है? प्रमोदता में। अगर प्रमोदता में रहे तो हम जीवन तो जीते हैं, अज्ञान में जीवन जीते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, और इसी कारण हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो धारणा है, वह विकृत होती रहती है। जगत को हम वैसे ही आईने से देखते हैं और वैसी ही हमें दुनिया दिखती है। हमारे जो अड़ोस पड़ोसी है, मित्र है, हमारा जैसा दृष्टिकोण है वैसे ही उसे देखते हैं, और वैसे ही बुद्ध धम्म को भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे जागृति का स्तर जो है वह नीचे होता है, और इसी कारण बुद्ध धम्म की शिक्षाएं ना हम समझ पाते हैं, और जो निर्वाण प्राप्त करना है, जो हमें आगे बढ़ना है, वह पीछे ही रह जाता है। तो हमारे अंदर के दीप को पहचानो। यह जो हमारे अंदर अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम हमारे स्वयं के भीतर जो नाथ है, स्वामी है हमारे कर्म के, हमारे भीतर दबा हुआ जो जो सुप्त मन है, जो अचेतन मन है, उस अचेतन मन को, इस इंद्रियजन्य जागृति को हम ऊंचा उठाना, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, इसलिए हम ध्यान के अलग अलग सराव करते हैं, इसलिए हम कायागता शक्ति करते हैं। तो इसलिए हमें ऊर्जाओं की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है, आलस्य को निकालना है, थिनविद्धता को निकालना है, चिंताओं को हमें दूर करना है, जो भी पारंपरिक पारिवारिक बातें है, संस्कारिता की बातें है, उसे वही हमें परेशानी में डालते हैं, चिंता में डालते हैं, उसमें हम फंसते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वही हम इसे देखिए, ढूंढिए, संसार में निर्वाण है, क्योंकि संसार में देखने की हमारी शक्ति जो है, हम यहाँ रहते हैं तो उसे हम दूर करके हम जिस जगह, जिस घर में, जहाँ, जिस सेंटर में, जिस संघ में हम विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, यही हमारा बोधि वृक्ष है, यही हमारी बुद्ध गया है, यही हमारी सावस्ती है। हम हमारे काया के भीतर हम कैसे देखते हैं, हमारे पूरे अस्तित्व को हम कैसे देखते हैं, काया के भीतरी भाग में क्या हम कैसे कायानुपस्सी हो विहरते हैं, काया के बाहरी भाग में कैसे हम कायानुपस्सी हो विहरते हैं, और काया के भीतरी बाहरी दोनों एक साथ कैसे हम कायानुपस्सी हो विहरते हैं, कैसे देखते हैं हमारे अस्तित्व को, हमारे काया को, काया में होने वाले बदलाव को, समुदय और व्यय को, काया के व्यय विनाश, काया में होने वाले बदलाव, जैसे हमारे बाल जो है गलने लगते हैं, पकने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, यह सत्यता हमारी काया में ही हम देख पाते, क्योंकि यह जो अनित्य का, अनित्यता का, सत्यता का सिद्धांत है, हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे जो चेहरा है बदल रहा है, स्किन बदल रही है, काया बदल रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है। इस व्ययता को, इस व्यय धर्म को, इस समुदाय धर्म को, निर्माण होने वाले धर्म को,
शरीर में निर्माण होने वाली पेशियां जो है निर्माण होते होते नष्ट होती है, फिर से निर्माण होती है, फिर से नष्ट होती है। हर 7 साल के बाद हमारा पूरा शरीर का काया का रूप पेशियां सब बदलते हैं। हर दिन खून बदलते रहता है, निर्माण होते रहता है, हर क्षण प्रतिक्षण हमारी काया बदल रही है। और इस वैय धर्म को, इस विनाश रूपी काया के धर्म को, कायानुपस्सी विहरते ही अगर हम देखते हैं, तो यह जो समुदय और वैयता दोनों को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस विरोधाभास को समझ सकते हैं, जन्म और मृत्यु को, इस विरोधाभास को अगर हम समझ सकते हैं, तो जीवन की सच्चाई है। इस जीवन के सच्चाई को समझना यही काय गता सती का उद्देश्य है। हमारी जो काया है यह ध्यान और स्मृति के लिए, इसके प्रमाण के लिए उपस्थित है। मैं स्वयं, मेरा ऐसा कोई हमारे भीतर नहीं, इसे जानिए, देखिए, कुछ नहीं है। इस प्रकार देखिए भिक्खु, यह कायानुपस्सना, यह कायागता सती है। और अगर हम हर काया के क्रियाओं को जानते हैं, यह मेरी काया है, मैं जान रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ, यह मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, उसके प्रति मेरी जागृति है, अब मैं सोया हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, धीमे चल रहा हूँ, गति से चल रहा हूँ, मेरा पैर ऊपर उठ रहा है, नीचे पैर को रख रहा हूं। तो यह जो जानते हुए हमारी जैसी काया है वह सुव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, उसको समझना, जानना, इस प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपस्सी विहरते हुए अगर हम कायानुपस्सना काया इस समाधि के बाहर अनुभवते हैं, तो हम तैयारी करते हैं इस साधना की, इस कायागता सती की, इस ध्यान साधना की तैयारी जो है हमारे ध्यान के पहले की कृतियों से होती है। और इस प्रकार जो हम अनुभव करते हैं, इस अभ्यास को अगर हम गहराई से लेते हैं, हम गमन करते हैं, तो बुद्ध कहते हैं भिक्षु, यह जो तुम चल रहे हैं, तो जानते हुए गमन करो, अनुभव करो, आलोकन विलोकन, शिकोड़ना और फैलाना, शरीर का जो हलचल है, आसन को देखना, पान खदान अखदान, हर बातें, हम कैसे खाना खा रहे, हमारा खदन कैसा है, पूरी प्रक्रिया जो है, मुंह में प्रवेश करने वाला निवाला जो है वह जब हमारे पाखाना तक, पेशाब तक पिया हुआ जल बाहर उत्सर्जित होता है, हर प्रक्रिया को जागृति से अगर देखते हैं, तो हमारे काया के भीतरी घटित होने वाले क्रिया प्रक्रिया को समझना, यह कायगता सती के द्वारा हम सच्चाई को ओर बढ़ते हैं। तो बैठते हैं, सोते हैं, खड़े रहते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, और चुप भी रहते हैं, मौन में भी रहते हैं, तो जानकर हर हमारी गतिविधियां समझ के हम काय गति के द्वारों हम शरीर के संपर्क में रहते हुए, जैसे आनापान सती के द्वारा हमारे श्वासों के आवागमन के, हर उसके संवेदनाओं के, उसके स्पर्श के द्वारा हम जागृति को बढ़ाते हैं, एक रूपता को विकसित करते हैं, वैसे ही हमारे पूरे काया में घटित होने वाले अलग अलग क्रियाओं को समझ के, जान के, अभ्यास करके, जैसे बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं, तो हम भी अगर गहराई से हमारे अस्तित्व को समझना चाहते हैं, सत्यता को समझना चाहते हैं, तो कायगता सती के द्वारा ही हम निर्वाण तक पहुंचते हैं। बुद्ध यही संदेश जो है बहिया को देते हैं इस कायगता सूत्र के द्वारा।
इस सतिपट्ठान के द्वारा सभी ऊंचे अभ्यासु भिक्षु को बार बार बताते हैं कि भिक्षु साधना में तरक्की करना है तो हर क्षण कायगता सति के लिए कमिट करो अभ्यास के लिए। और यह महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा बुद्ध बताते हैं और हम तक यह जो पहुंची है तो निश्चित ही अगर हम इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं तो हमें ही हमारे भीतर यह बदलाव को हमारे पूरे अस्तित्व के बदलाव को अनुभव कर पाते हैं। और भंते जी कहते हैं, भंते संगरक्षित जी की धम्म क्या है, धम्म है हमारे जीवन को बदलना, हमारे स्वभाव को बदलना, हमारे संस्कारों को बदलना, हमारे हर जो परिवर्तन है मन के द्वारा, चेतना के द्वारा, चेतना बदलती हुई चेतना जो है, मन जो है, जो अकुशलता से भरा हुआ अगर वह कुशलता में परिवर्तित होता है, जो अप्रबुद्ध मन है वो प्रबुद्धता की ओर प्रबोधित होता है, तो इस बदलाव को जानने की हमारी जो क्षमता है यह साधना से होती है, यह कायगता सती से होती है। हम समझे हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा बीच का जो रास्ता है, हमारा जो कैसा है, हम कैसे उसे अनुभव कर पाते हैं, कैसे बदलने के लिए हम प्रयास करते हैं, हमें ही हमें समझना है, हमें ही हमारे धर्म को निर्माण होने वाले, मन में निर्माण होने वाले अलग अलग धर्म को जानना है, पहचानना है, स्वभाव को पहचानना है, चित्त को पहचानना है। जैसे कोई वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, तो निदान के द्वारा कोई जो पेशेंट है, कोई मरीज है, उसकी तबीयत समझता है, बिगर समझे जो वैद्य है दवाई नहीं दे सकता। बीमारी को समझना और फिर उसके ऊपर कार्य करना यही सही तरकीब है। वैसे ही साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा धम्म को समझना चाहते हैं, बुद्ध की उच्च शिक्षा को समझना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद को समझना होता है, हमारे अस्तित्व को समझना होता है, हमारे कायाओं को समझना होता है, काया में निर्माण होने वाले अलग अलग धर्म को समझना होता है, और हमारी जो भीतर इस काया में जो प्रतिष्ठित ये जो चित्त है, चेतना है, इस चेतना को समझना होता है। ये जो काया है यह कुम्भार के भांति, कुम्भार ने बने हुए घड़ा के भांति है, और इसे जब तक हम नहीं समझते, कुंभपमम काये मिमम विदित्वा नगर रूपम चित्तम मिदम ठपेत्वा, यह जो कुम्भार की भांति हमारी हर समय बदलने वाली या नष्ट होने वाली, कभी भी का हमारा मृत्यु हो सकता है, इसे अगर समझते हैं, एक जो घड़ा जैसा कभी भी फूट सकता है, तो हमारा शरीर भी वैसा ही है, लेकिन इस शरीर रूपी नगर में चित्त विद्यमान है। नगर रूपम चित्तम इदम ठपेत्वा यो भेद मारम पयायुधेनन चित्तस रखे अनु वेसनो स्या। अगर हम इस शरीर में स्थित चेतना को विकसित करते, ऊंची चेतना से शरीर के साथ साथ मन को, चित्त को समझते हैं, तो यह जो चेतना जो है, विकसित चेतना जो है, यह प्रज्ञा को विकसित कर पाती है, ऊंचे दृष्टिकोण को विकसित कर पाती है, और ऐसे ही जो चित्त है, जैसे कहते कि योधेद मारम, एक योद्धा के भांति मार को नष्ट करता है, इस वन को काटता है, और इसके काट कर आगे विकसित हो सकता है। जब तक हम हमारे चित्त के भीतर निर्माण होने वाले अकुशलता जो है, अकुशल मन की अवस्था है, उसे नहीं समझते, उसे नहीं काटते, उसमें के क्लेश नहीं निकाल पाते, जैसे बुद्ध कहते हैं कि
माता पिता को मारकर गाता है, मातरम पीतरा भंतवा राजानो द्वेच स्वेति वो वेयंग पंचनम हंतवा अनिको होती बामनो। बुद्ध क्या कहते हैं कि माता पिता को काट के, और आगे कहते पंच जो ये निवरण है, पांच निवरण को काट के त्याग करके उसे नष्ट करके ही भिक्कू जो है निर्वाण की ओर बढ़ता है, ब्राह्मण ऐसे कहते बुद्ध। तो ये पूरी गाथा से दो लाइन जो है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि मातरम पीतरम हंतवा, जो जो है माता मतलब तृष्णा है और पिता मतलब अहंकार है। शब्द को अलग भाषा के साथ बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा जो है, कामचंद जो पहला निवरण है, यह इतना पावरफुल है कि जब तक हम इसके ऊपर कार्य नहीं करते, जब तक इस तृष्णा को नहीं काटते, वही वन है, वही झाड़ी है, वही डोंगर है, और जब तक इसे काट के हमारे खेतों की फसल में जो तन है, क्या बोलते हैं उसको, तो इसको जब तक नहीं निकालते है, तो फसल जो है अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती है। तो हमारे मन के भीतर के ऐसे सारे न्यूरॉन को काट कर निकाल कर अहंकार के कारण हम जब अच्छा ही कर्म करते हैं, लेकिन अहंकार जो है हमारे कर्म को कर्म नियम को धर्म नियम में नहीं परिवर्तित करने देते हैं। तो यही बात है कि हम अकुशलता को निकालना और कुशलता को बढ़ाना, यही धम्म का सार है। सब पापस्य करणम् कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोतपनम्। ये जो चित्त है शुद्ध करना, चित्त के भीतरी अकुशलता को निकालना और कुशलता का विकास करना, तो कुशलता का विकास करना तभी संभव है जब हम अकुशलता को निकाले। हम साधना करते हैं, साधना को दृढ़ करना तभी संभव है जब हम इस न्यूरन को दूर करें, इस क्लेशों को, इस उपक्लेशों को, इस वन को, इस तृष्णा को, इस अहंकार को नष्ट करें और कुशलता विकसित करें। यही धम्म का उद्देश्य है। और साधना में हम जितने भी प्रयास करते हैं तो अकुशलता जो है उसे नष्ट करने के लिए हर दिन करते हैं। अगर हम आनापान सती भी करते हैं तो हम पूरा एकाग्रता होने की कोशिश करते हैं। यह केवल एक साधन है, श्वासों को गिनना। तैरना हो तो हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब का उसको पकड़ के हम पानी में उतरते हैं, लेकिन एक दिन उसे छोड़ना होता है, आगे जाना होता है, तभी हम तैर सके। हम यह साधना करते हैं, बार बार निवरण आते रहते हैं, जाते रहते, लगातार कोशिश करना, बरकरार रखना होता है। कितने भी बार क्यों न ये निवरण हमारे ऊपर हमला करे, मारो को नष्ट करना, बार बार युद्ध करते रहना, इसीलिए परिक्रमा कहा है, बार बार लड़ना करना वीरों का काम है, बौद्ध धर्म को आत्मसात करना। दो तरह के जैसे दृष्टिकोण होते हैं कि हम बस कोई आए ऊपर ऊपरी, जैसे कोई गॉड हो या कोई देव हो या सब हमारा वही दूर करे, हम बस आराधना करते रहे ऐसा बस, तो यह इजी ऐसा बौद्ध धम्म नहीं है। सुलभता पूर्ण सहजता से मिलने वाला ऐसा नहीं, तो परक्रम करना होता है, तपोच ब्रह्मचर्य तप करना होता है, प्रयास करना होता है। ऐसा यह आचरण, ऐसी यह साधना है कायगता सती। कोई भी ध्यान की प्रैक्टिस जो है वह हमें बार बार प्रयास करने से, पराक्रम करने से, दृढ़ता से करने से होता है। तेजाइनो सात तिका निचंग दुड़ह परक्रमा सुसंती धीरा निबाणम योग खेमम अनुत्तरो।
ये जो ध्यान करने की बात है, बार बार करने की, बार बार पराक्रम करने की, कई जैसे कई बार हम गिरते हैं उठना होता है, फिर भी गिर और गिरते हैं फिर भी बार बार उठना होता है, सुबह उठना होता है ध्यान के लिए, चाहे आलस्य क्यों न हो प्रयास करना होता है, हर दिन करना होता है, और दृढ़ परक्रमा दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ नित्य करना होता है, नीचम दड़ परक्रमा, तभी हम धीरे धीरे ऊपरी ओर योग में अनुत्तरोत्तर हम प्रयासों से ध्येय की ओर जाते हैं। तो नीचम दड़ परक्रमा फुसंती धीरो निर्वाणम योग खेमम अनुत्तरम, उत्तर उत्तर अनुत्तरम, इस योग साधना में हम आगे बढ़ते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम पहली ध्यान से दूसरे ध्यान में जाते हैं, हमारे न्यूरॉन खत्म होते हैं और हम स्थिर और शांति का आनंद लेते हैं, और फिर धीरे धीरे दूसरे ध्यान से तीसरे ध्यान, चौथे ध्यान, ध्यान की जो अलग अलग अवस्थाएं है हम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जन्म ही इसीलिए है। तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हर दिन कई दिनों से लगातार, कई सालों से, 2 साल पूरे होके आगे चल रहे इस ध्यान सत्र दिल्ली केंद्र के द्वारा बहुत ही सराहना, ऐसा एक लोकोत्तर ऐसा यह काम है, कोई असाधारण पुरुष नहीं कर सकता है, निरंतरता से इसे चलाना, निरंतरता से लिए सभी साधक को जुड़ के रह के हर दिन ध्यान को करते रहना, यह बड़ा कठिन काम होता है। केवल बस भगवान के पास जाओ, हाथ जोड़ो, दक्षिणा दे दो, कुछ जो भी है आराधना आरती या जो कुछ भी करो, बस वो प्राप्त हो जाएगा और हम हमारी भरभराट होंगे, ऐसा बुद्ध धर्म नहीं है। तो कैसा है, हमें ही प्रयास करना होता है, हमें ही इस मार्ग पे चलना होता है, बुद्ध तो केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है, हमें ही इस मार्ग से चलना होता है। तो हम चलते हैं आगे इस साधना के द्वारा मार्ग को अतिक्रमण करने के लिए, हमारे